हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ना हम एक वेज स्नैक्स बनाएंगे जो कि घर के चीज़ों से ही बनने वाली है। बाहर से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। गर्मा गर्म तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आप इसे मैदा आटा किसी से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। 2 कप जितना मैंने मैदा लिया है, मतलब कि 250 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और मैदे के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार में थोड़ा सा नमक डाल देना है। और उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा तेल। तेल हम इसलिए डालेंगे ताकि ऊपर का जो लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बने। तो अच्छे से हम तेल के साथ मैदे को मिक्स कर लेंगे। तो जब ये इस तरह से आपके एक मुट्ठी में आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। अब हम आटा जिस तरह से लगाते हैं ना घर में पराठे के लिए, रोटियों के लिए, उतना सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है। थोड़ा सा हार्ड हमें रखनी होगी, तभी जाके ऊपर का जो लेयर है ना वो क्रिस्पी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ज़्यादा पानी एक साथ आपने अगर डाल दिया ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा ज़्यादा गिर गया या कम गिर गया। और पानी का मात्रा अगर गलती से भी ज़्यादा हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा मैदा इसमें और डाल लेना। तो ये लो दोस्तों, मैंने इसका एक डो जो है बना लिया है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाई है। तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे साइड में बस 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट तक हम बैठे नहीं रहेंगे, हम अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिया है, उसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। और उसी के साथ में डाल देंगे बहुत सारे हरी मिर्चें। मुझे हरी मिर्चें की तीखापन ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। ये काला नमक है दोस्तों, अगर आप सादा नमक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन इसे डालने से ना थोड़ा सा वो चटपटा सा टेस्ट मिलेगा, तो थोड़ा सा तो ये डाल ही देना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जायफल, और वो चटाके वाली फीलिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू का रस। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला लेंगे। अब ये जो फीलिंग बन रही है ना दोस्तों, इसको ना आप गोलगप्पे के अंदर डाल के भी खा सकते हो। उसके अंदर का जो फीलिंग होती है ना वो कुछ इसी तरह की होती है। तो बस ये सारे चीज़ों को अच्छी से हमने मिला लिया है। तो अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं और ले आते हैं अपने डो को। 30 मिनट हो चुके हैं, डो रेस्ट करके बिल्कुल रेडी है। अभी ना हम इसको लोइया काट लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस छोटी छोटी लोइया हम इसका काट लेंगे। तो जैसा हम रोटियों के लिए तैयार कर लेते हैं, आप चाहो तो उसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। और जब सारे लोइया बन जाए तब थोड़ा सा सूखा मैदा आपको छिड़क लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर हम एक लोइया रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। अब बेलना कैसा है, जैसे हम रोटियां बेलते हैं गोल गोल नहीं बेलना है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा बेलना है, तभी जाके इसका जो असली शेप आपको मिलेगी। अगर गोल बेल दोगे ना तो वो जो हमने शेप बनाई है ना वो शेप तो नहीं बन पाएगी, वरना टेस्ट की बात है दोस्तों, टेस्ट तो सारे के सारे सेम ही मिलेंगे आप जैसा भी शेप दे दो। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसको लंबा बेल लिया है, बस ऐसा ही आपको लंबा रखना है। और उसके बाद हम इसको ना काट लेंगे चौगुना में। और बस इसी तरह से हम सारे शीट्स तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा आलू का मसाला, इस तरह से थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे। उसके बाद हम इसके एक तरफ इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके हम इसके एजेस में इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, हम जब इसको तलेंगे तेल में डालेंगे तब अंदर का जो फिलिंग है वो ना बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से हम अपने हाथों से प्रेस करके इसको सील कर देंगे। और उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको ना हम इस तरह से काट लेंगे। ये बस दिखने में अच्छा लगने के लिए है दोस्तों, वरना आप तो इसे ऐसे भी रोल कर सकते हो। और बस इसको घुमा के इस तरह से हम लगा देंगे। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा पानी लगाना है, नहीं तो ये ना अच्छी तरह से सील भी नहीं होगी। तो ये लो दोस्तों, तैयार है अपनी
ये एक मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और चलेंगे गैस की तरफ इसको तलने के लिए। तो गैस पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दी है और तेल को रखना है हमें मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद एक एक करके ये सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पलटते हुए फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे कर दोगे तो ये बाहर का जो पार्ट है ये जल जाएगी और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे इसको आप फ्राई करोगे ना तो अंदर जो हमने आलू की फिलिंग डाली है वो भी अच्छे से पक जाएगी और अंदर भी एक अच्छा सा क्रस्ट मिलेगा आपको। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखो ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे तेल में से और बस इसी तरह से हम सारे के सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो फिर देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और साथ ही में मैंने रखा है थोड़े से सेजवाइन सॉस। ये होममेड सेजवाइन सॉस है, मैंने इसको घर में बनाई है। ऐसे स्नैक्स के साथ अगर ये तीखी वाली सॉस अगर आपको मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। तो फिर अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको देख लेना। और ये देखो दोस्तों, मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, अंदर की फिलिंग कितनी प्यारी लग रही है, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में ना ये लाजवाब है। और आपने देखा इसे बनाने में ज़्यादा सामान भी नहीं लगी आपको, जो घर में पड़ी है आप उसी में से इसको बना सकते हो। तो दोस्तों घर पे इसको एक बार ज़रूर बनाना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।